हाय गाइस, टीवीएस मोटर कल आपको याद होगा नंबर्स आते ही स्टॉक में टुडे में करीब 6% तक की गिरावट देखने को मिली। कॉन्फ्रेंस कॉल की जो हाइलाइट्स है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। दरअसल कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि फेस्टिव सीजन ग्रोथ अब तक करीब करीब 4% के आसपास की रही है और कंपनी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो बजाज ऑटो के विपरीत ये दरअसल बयान आया है। उन्होंने ये ज़रूर माना कि देखिए नवरात्रि तक करीब 11% तक का स्लो डाउन देखने को मिला था सेल्स में, लेकिन अब यहाँ से मोमेंटम जो है वो पिकअप करता हुआ दिखाई देगा, खासतौर से दिवाली तक ये फेस्टिव सीजन में और जोर देखने को मिलेगा। उस लिहाज से जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है करीब थर्ड क्वार्टर में 7-8% रहेगी टीवीएस ये कह रहा है, और उसके सामने टीवीएस को पूरा भरोसा है कि वो इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव है। कंपनी पर ब्रोकरेजेस आई हैं, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 2265 का यहाँ पर टारगेट है। जेफरीज ने अपना पिछला टारगेट घटाया है, बाय कॉल बरकरार है, लेकिन जो नया टारगेट है वो 3270 का है। तो कल जो इंट्राडे में स्टॉक 6% करेक्ट हुआ और फाइनली 3% की गिरावट देखने को मिली, आज देखते हैं इस कमेंट्री पर कुछ रिकवर होता है या नहीं। याद रखिए एक आउट परफॉर्मर है, ईयर टू डेट इसने बहुत तगड़े लगभग 30% के रिटर्न्स दिए हैं।